नमस्कार, मैं हूँ खुशबू सिंह और बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन करती हूँ ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सभी भाई बहनों का। आज एक ऐसा महा उपाय बताने जा रही हूँ जो बदल कर रख देगा आपकी जिंदगी। यदि धन वैभव ऐश्वर्य में कमी है, कमाते बहुत है, खर्च हो जाता है, नहीं बचता है, हमेशा घर में धन की चिकचिक लगी रहती है, सभी के मुँह से यही शब्द निकलता है पैसे फिर कम पड़ गए, तो करिए एक छोटा सा उपाय। बुधवार के दिन आपको एक थाली ले लेनी है। थाली किसी भी धातु के बने हो सकते हैं, आप स्टील तक की थाली ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं। आपको एक थाली लेनी है और भगवान गणपति की एक प्रतिमा या फोटो जो आपके पास हो, कोई खरीदने की जरूरत नहीं, जो है आपके पास, आप उस प्रतिमा को, आप उस फोटो को थाली पर आराम से रख दे। आपको नारंगी रंग के सिंदूर से गणपति जी को स्नान करवाना है। अभी आप कहेंगे जल से स्नान होता है, सिंदूर से कैसे स्नान होता है? आपको सिंदूर से स्नान करवाना है, यानी ज्यादा मात्रा में नारंगी रंग का सिंदूर लेना है। ग्रह कारक होते हैं इसके पीछे, इसके अलग वीडियो बनाऊंगी, आज सिर्फ आप महा उपाय जान लीजिए। आपको ये सारे काम दाहिने हाथ से ही करना है, बायां हाथ का इस्तेमाल कम करें, केवल थाली वगैरह पकड़ने के लिए बायां हाथ का इस्तेमाल करें। आपको नारंगी रंग के सिंदूर भर भर कर उठाने हैं और बिल्कुल गणपति जी को जैसे स्नान करते हैं ना, हम साबुन लगाते हैं, बॉडी वॉश लगाते हैं, वैसे आपको ये नारंगी सिंदूर लगाना है भगवान गणपति जी के पूरे शरीर में। उनके पांव में लगाएं, हाथ में लगाएं, मस्तक में लगाएं, चेहरे पर लगाएं, उनके एक एक अंग पर लगाएं और लगाते हुए गणपति जी को ओम गण गणपति नमः का जप मुंह से निरंतर करते जाएं, ताकि आपके मस्तिष्क में उस वक्त कोई अलग बात ना आए और मन में बस हर्षित रहे, गदगद रहे, आंख में आंसू आ जाएंगे आपके, आप ये उपाय करेंगे तो, कि आज से मैं धन्य हो गया, आज से मैं माला माल हो गया, थैंक यू भगवान जी, आई लव यू गणपति जी। आप जिस भाषा को जानते हैं उस भाषा का इस्तेमाल कीजिए और गणपति जी को बड़े प्यार से सिंदूर से स्नान करवाइए। कराने के बाद सूखे कपड़े से पहले उनके बदन को पूरा पोछे, उसके बाद जल से स्नान करवा कर जहाँ वो पहले से स्थापित है आप वहाँ स्थापित कर दें, उन्हें तिलक लगाए और 11 दाना अरवा चावल के सफेद अक्षत जो खंडित ना हो उनके माथक पर लगा दें, उनके माथे पर तिलक लगा दें, तिलक के साथ अरवा चावल लगा दें, दुर्वा प्रदान करें, सफेद फूल चढ़ाएं, गणपति जी की जैसे आप पूजा आराधना करते हैं घी का दिया जलाएं। आप बुधवार के बुधवार ये करना प्रारंभ कीजिए। 3 बुधवार बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, 3 नहीं, 1 बुधवार में आप चमत्कार देखिए इस महा उपाय का और मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।